पीछे जो लड़के हैं वो पांच पांच कर्ली पांच पांच बंदों का लाइन बनाए। वो पांच कर्ली पांच लड़कों का लाइन बनाए पांच पांच और फासला पीएससी स्पेशल एग्जाम तरबा दुश्मन हर दस्तूर आवाज जोर से आवाज लगाए ताली बचाने निकले हैं हम फ्यूचर बचाने निकले हैं डिग्री दो पीएमसी स्पेशल एग्जाम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े इन्हीं नारों असल में हालिया रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तीन नए मेडिकल कॉलेजेस की ये आज से पहले ऐसा कोई टेस्ट नहीं ना पहले कभी हुआ है अभी आइंदा शायद तारीख में आइंदा भी नहीं होगा। ये बेसिकली हुकूमत बलूचिस्तान और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके खिलाफ एक पेनल्टी है प्रिंसिपल्स के खिलाफ और उन मेडिकल हर मेडिकल कॉलेज के तो बेसिकली उसका पेनल्टी हुकूमत बलूचिस्तान ने देना है। अब वो उस पेनल्टी को बचाने के लिए और अपने इन प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए और इस सेक्टरी की नाइली को बचाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने यह सारा मलबा तुलबा के ऊपर गिरा रहा है। अब इस टेस्ट का ना कोई किसी को कुछ पता है ना कोई इसको ओन कर रहा है। प्रेजिडेंट पीएमसी वीडियो पैगाम के अंदर जब उससे सवाल किया गया कि आप बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज से ऐसा टेस्ट ले रहे हैं स्पेशल टेस्ट के नाम से उसने कहा मेरे एक्ट के अंदर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसे स्पेशल टेस्ट कहा जाए। फिर वजीर आजम का जो कंप्लेन पोर्टल है उसके अंदर भी लड़कों ने कंप्लेन किया कि बलूचिस्तान में ऐसा टेस्ट लिया जा रहा है तो उधर भी उन्होंने वाजे लिख दिया ऐसा कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है जो पीएमसी ले रहा है। तो लिहाजा अभी तक जो पीएमसी खुद इसको नहीं कर रहा है लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर बजिद है कि इस तरह का टेस्ट लिया जाएगा और इसमें आके तुलबा को लालच दी जा रही है बंदे भेजे जा रहे हैं कि हम आपको इतने एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे उन्हीं में से टेस्ट आएगा और हम आपको किसी न किसी तरीके से नकल करवा के पास करवाएंगे। तो हमने कहा ये तमाम स्टूडेंट्स ये मेरिट पे आए हैं इन्होंने बाकायदा निकेट टेस्ट पास किया हुआ है और मेरिट के तहत आए और जितने हर साल इन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से अपने जो है रिकॉग्नाइज जो इदारा है वहाँ से एग्जामिनेशन दे के नेक्स्ट ईयर में प्रोमोट हुए ये कोई सिफारिशी नहीं है। तो लिहाजा ये सारा सर एक नाइंसाफी और जुल्म के ऊपर मबनी है। कुछ लोग अपनी नए पेनल्टीज को छुपाने के लिए तुलबा को बकरा बना रहे हैं लेकिन आपने आज भी हमारी बात को अहमियत ना दी। ये तो हुकूमत देखो पहले दिन से संजीदा नहीं यंग डॉक्टर्स ढाई महीने से बैठे एक महीना जेल में गुजारा ठीक है तुलबा बैठे हुए कोई अपोजिशन नाम की तो ऐसी चीज नहीं जो आके उनकी रुदात सुनाए और गवर्नमेंट जो है ना ये सोया हुआ है। सीएम बलूचिस्तान नजर नहीं आता है सीएम है बलूचिस्तान का आधे से ज्यादा वक्त इस्लामाबाद कराची में गुजारता है ठीक है और हेल्थ डिपार्टमेंट वैसे ही बर्बादी के ध्यान तो लिहाजा जो है ना आप भी इसके चाहे इत्तेजाज करें अभी हम परेशान है कि तो करें तो क्या करें जितने जमहूरी तरीके हम वो आजमा चुके हैं अब हमारे भी समझ में नहीं आता है कि ये मरे हुए लोग हैं नशे में हैं सोए हुए हैं या अरबाब इख्तियार कोई और है क्योंकि अभी हमें यही दिखाई दे रहा है कि अरबाब इख्तियार ये इन ऐवानों में नहीं बैठा अरबाब इख्तियार कहीं और बैठा हुआ है। तो अगर जो नजर आ रहा है जो इसको जो चल जो जिस तरफ ये पॉलिसीज जा रही है ये हेल्थ डिपार्टमेंट और ये सूबा बैठ जाए हुकूमत तो हमें इस बात के लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं क्योंकि हुकूमत अपनी नाइली छुपाने के लिए खामोश है
हुकूमत अपनी हमारी हुकूमत तो नाहल है, दूसरा पीएमसी जैसे नाहल इदारों के साथ मिल के अपनी एक सोची समझी ना जाए साजिश के तहत हमें तालीम से दूर रखा जा रहा है, हमारी दवाओं का शिकार किया जा रहा है। मैं फोर्थ बैच की स्टूडेंट हूँ खुद लोअर लाई मेडिकल कॉलेज में, मैंने खुद पीएमसी का ही टेस्ट दिया था। अभी पीएमसी मुझे किस बेस पे रेगुलर करार देना चाहता है? क्या पीएमसी को खुद पे शक हो रहा है? या तो अगर खुद पे शक हो रहा है तो वो हमें इररेगुलर बोल रहा है, तो इसका मतलब वो खुद इररेगुलर है। यहाँ पे जो जितने भी आए हैं वक्त में उन सबसे मुखातिब हूँ जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो बिल्कुल अपने इस बयान से ही पीछे हट जाए क्योंकि उन्होंने कभी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने तालीमी निज़ाम को कभी महसूस ही नहीं किया। आज तक अभी भी बलूचिस्तान में 18 लाख जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम हैं। मेरा नाम राबिया गुल है, हमारा ये मुतालबा है कि हम स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। जो एग्ज़ाम्स पंजाब में नहीं हो रहे वो बलूचिस्तान में क्यों हो रहे हैं? बलूचिस्तान से हमेशा से नाइंसाफ़ी होती आ रही है, तो हम कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। हमें यह हमारे यही तालबात हैं और हम इसलिए बैठे हैं यहाँ। तो उसके बाद हमारे ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक इमरान खान की चेयर भी हिल नहीं जाती। हर दस्तों